स्टूडेंट, मैं फहीम आलम खान कर रहा हूँ QH इंटर कॉलेज केमिस्ट्री लेक्चर। जैसा कि आज टर्न है क्लास 11 की केमिस्ट्री का टॉपिक, मैंने इससे पहले आपको हाइड्रोकार्बन के एल्कीन की बारे में पढ़ा चुका हूँ। थर्ड है आपका एल्काइन यानी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड क्या होता है यानी अनसेटिस्फाई यानी कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाई नहीं होगी, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जनरल फार्मूला है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का CnH2n-2। जैसा कि आपको शो हो रहा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी यानी दो कार्बन एटम है। जब दो कार्बन एटम है तो यहां एन क्या है, एन बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पर सिंगल अगर एन बराबर एक रखेंगे तो एक कार्बन होगा, एन बराबर दो रखेंगे दो कार्बन होंगे, तो हमें कम से कम दो कार्बन तो चाहिए। तो हम एन बराबर दो कार्बन वैल्यू पुट करते हैं और CnH2n-2 C2H2 × 2 − 2 C2H2। ये हमारा फर्स्ट मेंबर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन का, जिसे हम कहते हैं एसिटिलीन। जब हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी ऑल फोर वैलेंसी आर सेटिस्फाई बाय हाइड्रोजन एटम, लेकिन यहां पर कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों नहीं हो रही है, कार्बन की तीन वैलेंसी यहां है और एक यहां, तो यहां सिंगल बॉन्ड है यहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऑल कार्बन फोर वैलेंसी आर नॉट सेटिस्फाई बाय हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट मेंबर है हमारा एसिटिलीन अनसैचुरेटेड कार्बन एल्काइन का। इसके बाद हमारा आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। एल्काइन के नोमेनक्लेचर में तीन सिस्टम होते हैं, ट्राइवाइल सिस्टम या कॉमन सिस्टम। या निरर्थक पद्धति। ट्राइवाइल सिस्टम में क्या है, जैसा कि हमारा जनरल फार्मूला था CN, अगर यहां वैल्यू दो फुट थी तो होगा C2H2 × 2 − 2 = C2H2। अगर वैल्यू 3 फुट की तो होगा C3H2 × 3 − 2 C3H4। वैल्यू 4 फुट की C4H2 × 4 − 2 = C4H6। इसका नाम होगा एलाइलीन और इसका नाम होगा क्राइटोलाइन। इस ट्राइवाइल सिस्टम में या कॉमन सिस्टम में इन फर्स्ट तीन मेंबर के अलावा, कौन से थ्री मेंबर्स के अलावा, ये सिस्टम आगे का कोई या अन्य मेंबर्स के नाम नहीं बता सका, इसलिए इस सिस्टम को फेल माना गया, निरर्थक माना गया। सेकेंड नंबर है हमारा एसिटिलीन डेरिवेटिव्स। इस सिस्टम में एसिटिलीन डेरिवेटिव सिस्टम, इस सिस्टम में हम जो भी कंपाउंड लिखेंगे वो एसिटिलीन के रूप में लिखा जाएगा। जो भी कंपाउंड होगा एसिटिलीन अलग कर लेंगे, बाकी जो एल्किल ग्रुप होगा उसके साथ हम उसे जोड़ देंगे और नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ये जो लिखा जाएगा वो एसिटिलीन डेरिवेटिव्स के रूप में लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू एसिटिलीन डेरिवेटिव्स।
अब ये तो हो गया एसिटिलीन, ये एसिटिलीन हुआ, क्या बचा हमारा एल्किल ग्रुप बचा, कौन सा मैथिल, तो ये हुआ मैथिल एसिटिलीन, मैथिल एसिटिलीन। अगर यहां पर C2H5 सॉरी तोड़ के लिखूं CH3CH2C CH, ये होता तो ये तो हमारा एसिटिलीन होता, एसिटिलीन, और ये एल्किल ग्रुप होता एथिल होता तो ये होता एथिल एसिटिलीन। तो सेकंड सिस्टम क्या है हमारा, एस एसिटिलीन डेरिवेटिव्स, इसमें हम जो भी कंपाउंड जो भी एल्काइन होता है उसे एसिटिलीन के रूप में लिखते हैं, चाहे मेथिल एसिटिलीन, एथिल एसिटिलीन, प्रोपिल एसिटिलीन या ब्यूटिल एसिटिलीन। हमारा थर्ड नंबर है हमारा IUPAC सिस्टम। ये IUPAC सिस्टम क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाने वाला सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या करते हैं हम, जो भी हमारा एल्केन होता है उस एल्केन से ANE रिप्लेस कर देते हैं और उसमें हम आयन जोड़ देते हैं, यानी हमारा हो जाएगा एल्काइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल C2H2, अगर ये एल्केन होता तो दो कार्बन है, ये एथेन होता, इस एथेन से हमने एन रिप्लेस किया, प्लस आयन जोड़ दिया, यानी हमारा हुआ ये एथाइन। ठीक है, सेकंड नंबर C3H4, ये हमारा प्रोपेन होता, अगर एल्केन होता इससे हमने ANE रिप्लेस किया, बाई एनी एड किया, ये हुआ प्रोपाइन। ठीक है, थर्ड नंबर है C4H6, अगर ये एल्केन होता तो ब्यूटेन होता, ANE रिप्लेस हुआ, आयन हमने इसमें एड कर दिया, ये हुआ ब्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैंने आपको एल्काइन का इंट्रोडक्शन दिया, एल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ाया, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एल्काइन के प्रिपरेशन मेथड के बारे में तथा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।